हेलो भाई, मैं पवार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुशाग्र भाई। Hello. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत भाई आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहाँ से आए भाई? दिल्ली। दिल्ली से आए। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में वेस्ट दिल्ली, पश्चिम बिहार। अच्छा, मेन बात ये है भाई, थोड़ा सा एक पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं। ये गाड़ी हेक्टर सीवीटी शार्प मॉडल, ये हमने ली है अभी 20-25 दिन पहले। एक्चुअली मेरे पास एक क्रेटा 2020 थी जो हमने सितंबर में ली थी, वो चोरी हो गई थी दिसंबर में घर के नीचे से ही, क्योंकि क्रेटा हमें पता था पुरानी वाली काफी ज्यादा चोरी होती है। इस वाली का मैं इतना आइडिया नहीं था, हमें लगा कि नहीं है तो टेक्नोलॉजी चेंज करी होगी हुंडई ने, बट फिर वो क्रेटा चोरी हो गई। उसके बाद हमने एक अच्छी चीज हमने करी थी, वो RTI इंश्योरेंस ले रखी थी हमने उस गाड़ी की। तो उससे क्या होता है कि जितना इनवॉइस आपका गाड़ी का कटा हुआ है उतना वैल्यू पूरी मिल जाती है, IDV नहीं मिलती, IDV से ज्यादा मिलता है। तो वो RTI हमने ले रखी थी और बजाज की इंश्योरेंस थी, तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। हमने पुलिस में रिपोर्ट लाई, पुलिस वाले तो कुछ करते हैं नहीं क्योंकि उनको पता है इंश्योरेंस है गाड़ी की, तो इतना वो ध्यान देते नहीं उस चीज पे। तो हमने RTI करवाई हुई थी, तो 15 लाख के आसपास हमें मिल गया, 17 लाख ऑन रोड। कौन सा वेरिएंट था वो? SX था वो, IVT। और जब आपने 2020 में कौन से मंथ में ली थी क्रेटा? सितंबर में ली थी। तो SX में सनरूफ वगैरह सब कुछ सब था। सब कुछ था, सब कुछ तो था। चोरी जैसे हुई तो भाई बहुत कम, ये सुनते हैं कि पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिखते। नहीं, वो क्योंकि वो वहाँ का एरिया ऐसा है और हमारे ना घर के एकदम 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन है, तो और हमारे बिल्डिंग में पहले भी दो बार दो गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। फेमस इलाका है चोरी के मामले में। चोरी के मामले में फेमस इलाका है। तो फिर उन्होंने 100 नंबर पे पापा ने कॉल करा था, मैं तो बाहर था, तो 100 नंबर पे फटाफट बंदा तो आ गया था, बट उसके बाद वो कुछ करते नहीं उस बारे में। मतलब रिपोर्ट लिख लेंगे क्योंकि इंश्योरेंस के लिए रिपोर्ट सही होती है, तो उसके बाद वो उस बारे में कुछ नहीं करते हैं वो। अब हुआ क्या था कि जो ब्लू लिंक है, जो क्रेटा का फीचर कहते हैं कि गाड़ी चोरी हो जाएगी ट्रैक कर लेंगे, वो मुझे सबसे यूजलेस चीज है। क्योंकि चोरों ने करा क्या था कि ये वाला शीशा था, ये तोड़ा और एक बंदा अंदर ऐसे घुसा होगा, उसने सिम निकाल दिया गाड़ी का। इतनी नॉलेज उनको? वो बहुत नॉलेज है जिनका। देखो, जो अगर ताला है ना, हर ताले की चाबी भी है, तो जिनको जिनकी टेक्नोलॉजी है उनको पता है उसको तोड़नी कैसे है। और हुंडई की क्रेटा तो क्रेटा और फॉर्च्यूनर ऐसी दो गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा चोरी होती हैं दुनिया में। तो अब उन्होंने सिम निकाला, उस सिम निकालने के बाद पूरी गाड़ी का नेटवर्क चला गया। अब नेटवर्क चला गया तो गाड़ी का ब्लूटूथ, ब्लू लिंक वगैरह सब यूजलेस है। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, मैं बस मैं जागा भी रहता हूँ, 3-4 बजे तक जाग रहा था, बाहर भी था तो जाग ही रहा था, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई। उन्होंने सिम निकाल के वो गाड़ी उसके बाद चला चलू के ले गए और बस यही था। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने कुछ करा नहीं। उसके बाद ब्लूलिंग का क्या हुआ कि 1-2 दिन बाद ना उसकी लोकेशन आई गाड़ी की, एक GPS में वो लोकेशन आई MLA के घर के अंदर। हम जब गए देखने के लिए वहाँ CP में एक MLA के घर के अंदर आई। तो अब मैं जब रात को गया पापा के साथ, तो हम तो जा नहीं पाए अंदर MLA के साथ, तो हम पुलिस की टीम को लेके गए, पर हमारे पास वारंट नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत दिखा दिया ऐसे वैसे। तो उन्होंने ये चीज भी बोली हमें कि जब वहाँ पे पहले 10-15 दिन पहले भी ना एक बंदा आया था ऐसे ही, अपनी क्रेटा उनकी चोरी हो गई थी, वो भी ऐसे घूमते घामते उनके घर ही आ गया था कि मेरे लोकेशन आपके घर पे आ रही है। तो हमें तब लगा कि अब तो ये कुछ चीज तो है, क्योंकि अगर दूसरी लोकेशन भी यही आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बट वहाँ वारंट है नहीं, पुलिस वाले ज्यादा कुछ करते नहीं क्योंकि उनको पता है कि इंश्योरेंस है, उनका भी कुछ जाना नहीं, हमारा भी कुछ जाना नहीं है। तो बस ये, फिर उसके बाद NTR मिला 20 आसपास। और दिक्कत तब सबसे ज्यादा ये हो गई थी कि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तब फरवरी में, और हमारे पास गाड़ी दो है वैसे तो, एक क्रेटा थी तब, ग्रैंड आइटन थी, पर क्रेटा बड़ी गाड़ी थी, हम 4 लोग थे, बट किसी और से गाड़ी ली हमने एक, और रिश्तेदार से फिर काम करा सारा शादी वादी का। नहीं ढूंढी गाड़ी? नहीं, उसने कुछ नहीं ढूंढी, वो ना तो कुछ भी नहीं करा। मतलब आई हो भी बहुत टाइम बाद जाके अपॉइंट हुआ होगा, मतलब हाँ, जैसे ये नई नई गाड़ियों में इतने फीचर्स गिनवाते हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म, या फिर उसमें SX और ऑप्शन में तो आता ही अलार्म वगैरह का फीचर भी, फिर भी चोरी हो गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी आ गई, सिम निकाल दिया, उसके बाद तो कोई टेक्नोलॉजी मैटर ही नहीं करती ना, नेटवर्क चाहिए गाड़ी को, नेटवर्क के बिना तो बिना चाबी के कैसे स्टार्ट कर ली? वो बोलते हैं ECU में जब तक आपकी चाबी नहीं लगेगी, इतने सारे मोबिलाइजर के फीचर हैं। वो तो एक दूसरी गाड़ी में आते हैं चोरी की, उसमें बंदा बैठा तो लैपटॉप लेके, वो कनेक्ट करता है गाड़ी से, लैपटॉप से खोलता है गाड़ी, स्टार्ट करते चले जाते। तो क्या ही सिक्योरिटी फीचर हुआ गाड़ी में? सिक्योरिटी फीचर नहीं है, वो वही है कि क्योंकि क्रेटा इतनी डिमांड में है तो लोग उसका तोड़ निकाल लिए हैं। अब जैसे कि बाकी गाड़ियां हैं, जैसे सेल्टोस जो हो गई एक तरीके से, वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे ही है बिल्कुल, बड़ो पूरी पूरी गाड़ी डिमांड नहीं करता कोई, उसके पार्ट्स फिर भी डिमांड कर लेंगे। अब हुआ क्या कि जब हमने गाड़ी लेनी थी दूसरी, तो हमने बहुत सोचा कि क्योंकि क्रेटा तो अब ले नहीं सकते थे बिल्कुल, और सेल्टोस का दिक्कत ही हो गई थी, हमारे सामने वाले का सेल्टोस है और STX मॉडल है, और ये करीब फरवरी के आसपास ही ना उनके 4 पहिए चोरी हो गए हमारे घर के नीचे से, जहां हमारी क्रेटा खड़ी थी वहीं पे 4 पहिए चोरी हो गए, अलॉयस चोरी हो गए उसके। भाई दिल्ली में इतना चोरी हो रही है, पुलिस कुछ करती नहीं? 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन है, तो फिर भी चोरों को इतना डर भी नहीं है कि यार पुलिस ने देख लिया या इनने देख लिया हमको तो क्या ही करेंगे, ये हाल हमारा। 3 बजे के रात को आते हैं वो पेट्रोलिंग, ये तो पुलिस वालों के साथ तो मिले ही होते हैं क्योंकि पेट्रोलिंग पहले होती थी,
होती है, रैंडम होती है, बट जिस दिन को चोरी करनी होगी उस दिन कभी भी नहीं होगी। कौन से एरिया में रहते हो आप? पश्चिम विहार का एरिया, A2 ब्लॉक है। अच्छा, पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे। हालांकि वो लोग थे अच्छे, उन्होंने मतलब काम जल्दी करवा दिया, हमारे साथ चले गए एक बार बोलने पे, बट उसके अलावा वो ट्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें एक और बात ये थी कि जिस रात को चोरी हुई उस रात को 3 चालान आए मेरे नंबर पे। तो वो चालान आए थे, वो बाहर बाहर के एरिया से लेके ना मेरठ की साइड की तरफ निकला था वो। अच्छा, वो सब चालान आ गए। हाँ, तो वो सारे ओवर स्पीडिंग के और रेड लाइट के। और दिक्कत ये है कि हमारा इंश्योरेंस का क्लेम आया था 26 मार्च के आसपास, तो इंश्योरेंस और 28 मार्च को हमारे पास एक और चालान आया गाड़ी का क्लेम आने के बाद। तो गाड़ी चल रही है मतलब कहीं ना कहीं, मतलब वो हुआ गया था कि वो जो नंबर प्लेट थी ना गाड़ी की, हमने देखा उस फोटो आती थी छोटी सी, तो उसपे व्हाइट कलर की क्रेटा थी, वो नई वाली व्हाइट कलर की क्रेटा थी, हमारी काली थी, ब्लैक कलर की थी हमारी। तो या तो गाड़ी को रीपेंट करवा दिया होगा, या वो क्या करते हैं कि सारी क्रेटा गई आपस में, तो आपस में नंबर प्लेट एक्सचेंज कर दी होगी। क्योंकि अगर पुलिस वाला आपको रोकेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि ब्लैक लिखा है या व्हाइट लिखा है, वो देखेगा क्रेटा लिखा है, RC है, मैच हो गई, ठीक है जाओ। तो ऐसे भी करके करा होगा कुछ। बाकी एक अच्छी चीज ये थी कि इंश्योरेंस वाले ने काफी अच्छे से काम कर दिया, काफी जल्दी कर दिया। कितने दिन में उन्होंने दे दिया था? हुआ क्या कि हमने जब पहली बार कॉल करा ना, तो उनकी कोई नई बंदी होगी, उन्होंने बोला पहले आप NTR लेके आओ, फिल फाइल करना क्लेम। NTR क्या? नॉन ट्रेसिंग रिपोर्ट होती है उनकी। अच्छा, हाँ। कि या हमसे पुलिस वालों की, कि हमसे गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही है, तो आप क्लेम आप ले सकते हो। वो 1-2 महीने लेते हैं पुलिस वाले उसको NTR देने में। तो वो कहते हैं कि NTR लेके आओ पहले, फिर हम आपको क्लेम दे देंगे। तो फिर जब हमने NTR ली, उसमें 1 महीना लगा, जनवरी एंड तक आई वो। उसके बाद फिर जब हम गए क्लेम वाले, उन्होंने बोला कि आपको जरूरत नहीं थी NTR की वेट करने की, आप क्लेम फाइल कर देते, जैसे ही NTR आती है उसी दिन आपको पैसे ट्रांसफर कर देते। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं, क्योंकि सर्वेयर आके ओके करता है, तो थोड़ा सा डिले उसमें हो गया, वरना 2 महीने के अंदर अंदर पैसे दे देता ना मैं, ओवरऑल देखा जाए तो। जितने की आपने इनवॉइस पे वो खरीदी थी ऑन रोड प्राइस पे, उतना आपको रिफंड मिल गया? 17 लाख की ऑन रोड थी और हमें मिले हैं 15.60। 15 लाख उसका वो था इनवॉइस, 15,01,000 का उसका एक शोरूम था, प्लस 5% ऑफ IDV ये मिला। नहीं, उसमें रिटर्न टू इनवॉइस में तो ये रहता है ना, जितना ऑन रोड प्राइस है आपका सब कुछ मिला के वो देते हैं? नहीं देते, काटते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कहके काट लेते हैं, या तो वो फीस के नाम पे काट लेंगे, या बोल देंगे हम रोड टैक्स नहीं देते, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, बट कुछ ना कुछ करके वो 1-1.5 लाख तो काटना ही काटना है उनको। तो ये रियलिटी है भाई अपनी इंश्योरेंस की भी, अपना RTI भी अगर आप लेते हैं तो कट जाता है। अच्छा, जैसे आपने जब पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई, तो पहले तो यकीन हुआ क्या? नहीं, मैं तो बाहर था, मुझे घर वालों से एकदम से कॉल आया, मतलब मैं तो हिल गया था। हमारी फ्लाइट थी, हम जा ही रहे थे, रस्ते में जा रहे थे, मुझे पता नहीं चला कि पूरा रास्ता एयरपोर्ट का कैसे निकला है, मैं फ्लाइट में कब बैठा हूँ, घर कब पहुंचा, कोई आइडिया नहीं था, बहुत ही हालत खराब हो रही थी। और घर वाले ऐसे थे क्योंकि मतलब वो गाड़ी ऐसी थी, बहुत टाइम बाद ली थी हमने, 1-1.5 साल हो गया था, मैं गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, हमने लॉकडाउन से पहले सेल्टॉस ही बुक करा ली थी 3 मार्च को, जब लॉकडाउन लगा था पहला वाला, तब हमारी 31 मार्च की डिलीवरी थी, बट लॉकडाउन लग गया तो वो प्लान कैंसिल हो गया, तो तब से हमने गाड़ी बुक करा रखी थी, और सितंबर अगले 1.5 साल बाद जाके गाड़ी आई थी। तो काफी ज्यादा मैं उसको रखता था ऐसे कि मतलब अच्छे से चलानी है और साफ साफ रखनी है, तो घर वाले भी काफी उदास थे कि मतलब ऐसा हो गया कि इतने बाद इतने टाइम मुश्किल से पापा ने ली 17 लाख की गाड़ी। तो यकीन तो हुआ नहीं था, 2-3 दिन तक सो ही नहीं पाया मैं, रातों को नींद ही नहीं आई, रात भर देखता रहता ब्लू लिंक में कुछ आ जाए कुछ आ जाए। ब्लू लिंक पे स्टेटस क्या दिखाता था वो? पहले तो 2 बार दबाओगे तो लिखा था कि सम एरर नोटेड, प्लीज कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर, बट 1-2 बार और क्लिक करने में ना वो लोकेशन आती थी, बट वो MLA वाले घर वाले आती थी। वो अब भी है वो ब्लू लिंक आपके फोन में? यार नहीं, वो तो हटाई दिया, तो जैसे क्लेम आया वैसे हटा दिया मैंने। फिर अब ना पुलिस कुछ कर रही ना कोई कुछ कर रहा, वो गाड़ी उनकी हुई, चोरों की उनकी हुई था, मतलब नुकसान तो इसमें इंश्योरेंस वाला हुआ है। देखो अभी आपको क्या लगता है वो गाड़ी का क्या करेंगे, मतलब पार्ट्स अलग करके बेचेंगे या क्या ही करेंगे? चोर ऐसे तो चला नहीं सकते क्योंकि नंबर प्लेट के साथ कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। जहां तक मेरे को लगता था, पहले मैंने यही बोला था कि अगर मेरठ गई है, क्योंकि 2-3 लोगों ने हमारे बोला था कि मेरठ गाड़ी खुलती है जाके, और ये गाड़ी है कि जैसे लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं ओरिजिनल पार्ट्स, तो जो मैंने हुंडे वाले से बात करी, कहता है अगर आपको ओरिजिनल पार्ट हमसे चाहिए ना, तो आपको गाड़ी का चेसिस नंबर डालना पड़ता है, तो हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपकी गाड़ी के लिए आ जाते हैं। तो उसने बोला कि जो ऐसे मिल रहे हैं ना पार्ट्स, या तो वो कोई ना कोई हमारे साइड से घपला कर रहा है, या ये चोरी के ही पार्ट्स आ रहे हैं अलग से आपके पास, जो डैमेज व्हीकल्स हैं या चोरी के व्हीकल्स हैं। आफ्टर मार्केट इनका भी बहुत सीन चल रहा है, तो इस व्हील वगैरह हो गया, लाइट हो गई, अलग अलग पार्ट करके बेच दे तो बहुत कम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। पूरी गाड़ी सस्ती बिकती है पूरी गाड़ी, क्योंकि फॉर्च्यूनर तक 3 लाख में बिक्री है। अच्छा। चोरी होके भी जैसे गाड़ी बिकती है इलेक्शन वगैरह में चाहिए होती है लोगों को, तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भी 3 लाख की ही बिकती है, ऊपर उससे ऊपर नहीं बिक पाती, बाकी पार्ट्स ही बिके होंगे उस गाड़ी के मेरे हिसाब से। तो कितनी चलाई थी आपने क्रेटा? क्रेटा चली 1800 किलोमीटर 1800 बस
वो भी इसलिए चल गई थी, एक बार शिमला लेके गया था उसको, तो पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं लिया था गाड़ी का, स्पोर्ट्स मोड दो बार डाला था मैंने गाड़ी में बस। बताओ मतलब ये जो फीचर्स आजकल कंपनी बेच रही है ब्लू लिंक या कुछ भी, मतलब वेस्ट है टोटल। अगर आपको अपनी गाड़ी सेव रखनी है, एक ही जो गाड़ी है, मैनुअल चीजें रखो उसमें, गियर लॉक लगा के रखो, व्हील लॉक। गियर लॉक से आपको क्या लगता है, गियर लॉक को अभी तोड़ देंगे वो तो सारा कुछ जुगाड़ रहता ही होगा उनपे तो। क्या रहता है ना कि अब गाड़ी की दिक्कत क्या हुई, तीन दिन एक ही जगह खड़ी रही और उसमें कुछ लॉक वगैरह भी नहीं था। अब चोरों को क्या है, उनको ना उनको बस टाइम नहीं होता, उनको आसान गाड़ी ढूंढते हैं। वो गाड़ी वो खड़ी हुई थी उसकी जगह पे, कोई व्हील लॉक वगैरह कुछ नहीं था, आसान थी वो गाड़ी, तो इसलिए वो आए फटाफट चोरी करके चले गए। जिस गाड़ी में वो थोड़ा सा भी देख लेंगे ना व्हील लॉक लगा हुआ है या फिर गियर लॉक लगा हुआ है, उनमें उसको टाइम लगेगा क्योंकि चाबी बनानी पड़ेगी, आधा पौना घंटा लग जाएगा उसमें कम से कम। आधे पौने घंटे में उनको लगता है कोई ना कोई तो आके देख ही लेगा, कोई ऐसी रैंडम गाड़ी निकल गई उसने देख लिया या बंदा ही उठ के बाहर आ गया बाई चांस, तो इतना रिस्क नहीं लेते। तो अभी जो आपने दूसरी गाड़ी लिया उसके लिए आप ये यूज करते हो भाई? हाँ, ये व्हील लॉक है, ये ऐसे निकल के व्हील के बीच में। कैसे लगता है एक बार बताओगे आप? तो जैसे कि ये अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तो किसी भी उसमें लगा सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी टायर में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप बेसिकली यहाँ लगा के ऐसे अलॉय के अंदर घुसा के ये बटन होता है, इसको आप लगा दोगे अंदर, ये जब लॉक हो जाए तो ये ऐसे लॉक हो गया। तो अब ये कैसे चाबी से खुलेगा? हाँ, इसकी चाबी है, स्पेशल चाबी रहती है इसकी, वो हर व्हील लॉक की अलग रहती है। तो यार इसका भी जुगाड़ होगा भाई उनके पास अगर चोरों का, जैसे मतलब अगर उन्होंने ब्लू लिंक हटा लिया तो उनके लिए बड़ी बात है। जुगाड़ यही है कि चोर अपने साथ एक टायर लेके आएगा, हाँ, टायर निकाल के दूसरा टायर लगा के गाड़ी ले जाएगा। ये बात सही कह रहे हो, वो ये कि वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं जिनको गाड़ी चुरानी है। जो अलॉय चुराएंगे उनके लिए भी दिक्कत है, कि अलॉय की दिक्कत क्या है कि अगर इसमें ये व्हील लॉक वाला ले भी जाते हैं वो टायर तो उनका ये सेट खराब हो जाता है, क्योंकि काटना पड़ेगा पूरा, आरी से कटता है ये सेट, ये लोहे का मजबूत है। कितने का आता है ये? पड़ा 800 रुपए। 800 का क्या ही मजबूत होगा भाई, आपको लगता है 800 रुपए का मजबूत है? कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लास्टिक वास्टिक कहीं नहीं है, पूरा लोहे का बना हुआ है। तो एक बचाने के लिए चोरी से या तो हम ये यूज कर सकते हैं या फिर एक पेडल लॉक आता है गाड़ी का। हाँ, पेडल लॉक भी है आपके पास? होना चाहिए वो है, या फिर गियर लॉक भी मैंने बहुत लोगों का देखा है वो यूज करते हैं। गियर लॉक एक्चुअली क्या है कि ऑटोमेटिक में मैं लगाने गया था, बट ऑटोमेटिक उन्होंने मना कर दिया था कि नीचे एक पट्टी होती है, तो वो डैमेज हो जाएगी। तो ये गियर लॉक होता है बेसिकली, इसको पेडल में लगा दो और ऐसे लॉक हो जाता है, तो पेडल ऊपर नीचे नहीं हो पाता। लेकिन शार्क भाई ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो हम खुद ही अपनी गाड़ी चुरा लें ऐसे, तो हम अपना वो भी ले सकते हैं, जैसे कोई हमारे पास प्रूफ तो था नहीं सीसीटीवी फुटेज वगैरह, तो ऐसे कैसे मानेंगे वो जो क्लेम वाले रहेंगे? वो बेसिकली अपना एक सर्वेयर भेजते हैं, हाँ, वो देखता है गाड़ी कहाँ से चोरी हुई। बैंक स्टेटमेंट मांगी हमसे कि आप बताओ कि अगर पैसा तो नहीं आ गया गाड़ी चोरी होने के बाद, हाँ, कि अचानक से 10-15 लाख आ गया हो तो कहीं आपने बेच दी हो गाड़ी किसी और को। तो बैंक अकाउंट तो हमारे कई होते हैं, मंगवाना भी होगा तो हम कहीं और से मंगवा लेंगे किसी और अकाउंट। वो तो फिर कर ही सकते हैं, बाकी वो RC होल्ड पर लगा देते हैं, RC उनके नाम पे हो जाती है गाड़ी की। नहीं वैसे लोग कर तो सकते हैं ऐसे बड़े इजीली अगर करना होगा तो, ऐसे जिसको फ्रॉड करना है वो तो फिर जैसे, लेकिन ये है मतलब ऑनेस्टी उनकी होती है जो इंश्योरेंस वाला है कि अपना दे देती है क्लेम, सबसे बड़ी बात ये बिलीव करते हैं। पुलिस तो सही करेगी, पुलिस तो देखेगी फ्रॉड तो नहीं हुआ। हाँ, बाकी तो पुलिस कुछ करती नहीं है, तो उसमें वो तो पुलिस की ही गलती है। पुलिस कुछ भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी ना का बंदी, वो हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बाद IO अपॉइंट होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हमारा क्लेम आने तक अपॉइंट नहीं हुआ था। अरे बताओ, क्लेम पहले आ गया वो आए, NTR भी आ गई बट IO अपॉइंट नहीं हुआ, कोई हमारे घर नहीं आया पूछने के लिए कि क्या हुआ सर, कैसे गाड़ी चोरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस हो गई चोरी। NTR वो भी हमने, क्योंकि मेरे को ताया जी किसी को जानते थे कोर्ट में, तो वहाँ से जल्दी NTR आ गई, वरना NTR में भी 6 महीने लग जाते हैं। बिना NTR के वो नहीं मिलता, बिना NTR के नहीं मिलता, कि पुलिस एक बार ओके करेगी कि हमें गाड़ी नहीं मिल रही तो ही फिर आती है। थैंक यू अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सभी लोग अलर्ट रहो, आप भी बहुत ज़्यादा केस होने लग गए हैं। चलो भाई, वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।